ब्रजभूषण सिंह का समर्थन करने के बदले मिली मौत। गोंडा के बलवंत ने किया ब्रजभूषण का बखान तो हरियाणा वालों ने लिया इंतकाम। बलवंत को इतना पीटा कि गोंडा पहुंचते ही चली गई जान। बलवंत की मौत की खबर सुन ब्रजभूषण सिंह ने भी किया ऐलान। गोंडा के बलवंत सिंह को भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह का बखान महंगा पड़ गया। बलवंत सिंह बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा पर सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। टोल प्लाजा पर हरियाणा के तमाम लोग भी काम करते थे। ऐसे में दो दिन पहले बलवंत सिंह और हरियाणा के कर्मियों में ब्रजभूषण सिंह वर्सेज हरियाणा के पहलवानों के मुद्दे में विवाद छिड़ गया। हरियाणा के लोग ब्रजभूषण सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। ऐसे में अपने ही क्षेत्र के सांसद का अपमान देख बलवंत सिंह ने विरोध किया तो हरियाणा के कर्मियों ने मिलकर बलवंत सिंह की बेरहम पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। बलवंत सिंह के परिजनों का कहना है कि पिटाई के बाद बलवंत को ट्रेन पर बैठा दिया गया। ट्रेन में अचानक बलवंत की तबीयत खराब हुई और गोंडा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कटरा थाना इलाके के रहने वाले बलवंत सिंह के परिजनों ने मौत के बाद हंगामा किया तो गोंडा पुलिस ने आरा पुलिस से संपर्क कर मुकदमा लिखवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। छोटे छोटे बच्चे हम कहां जाए, किससे कहां जाए बताइए। इतना सीधा थे पता नहीं कैसे काहे मारे, किस लिए मारे है सब लोग मिलकर उनको। किसी से झगड़ा नहीं करते थे वो, कहीं भी जाते थे। अभी आप क्या चाहती हैं? इंसान उन लोगों को सजा मिले। मेरा नाम सूर्य नारायण सिंह है, ग्राम मनकापुर और पहाड़ापुर थाना कटरा बाजार। मेरा बेटा टोल प्लाजा में आरा में काम कर रहा था, नौकरी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बात की चर्चा होने पर कुछ बाता कहानी भी उसी पर मार लड़के को मारने लगे। हम मारकर, लड़के का नाम बलवंत सिंह है, उसको मारकर रेलवे गाड़ी पर बैठा दिए। वो मनकापुर स्टेशन पर लड़खड़ाता उतरा। पुलिस वाले उनको जिला अस्पताल में, मनकापुर सीएससी अस्पताल में ले जाकर वहाँ भर्ती किए। वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ दवा का, तब वहाँ के डॉक्टर का थे जिला अस्पताल में रेफर कर दिए, वहीं पर दम तोड़ दिया लड़का। वही ब्रजभूषण सिंह का समर्थन करने के चलते मौत की खबर सुन उनके प्रतिनिधि संजीव सिंह मृतक के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते हुए बलवंत सिंह को न्याय दिलाने का ऐलान किया। जैसा हम वीडियो देखे हैं, उसमें मारते हुए पूछा जा रहा है कि गोंडा का और कौन है, हल्की सी ये बात उसमें आ रही है। और जिस तरह परिवार वाले बता रहे हैं कि कारण ये रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है और ये बिहार सरकार की पूरी तरह से विफलता इस पर नजर आती है और इससे कड़ी कार्रवाई बिहार सरकार करे, ये परिवार यहाँ से डिमांड करता है, हम लोग भी डिमांड करते हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी इस बात के लिए पैरवी कर रहा है वहाँ के कप्तान से, जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले पर ASP गोंडा ने आरा पुलिस से संपर्क कर बलवंत सिंह को इंसाफ दिलाने का बयान दिया। साथ ही गोंडा पुलिस द्वारा भी मामले की जांच कराने की भी बात कही जा रही है। जनपद गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है, जो बिहार प्रदेश में जनपद आरा के कुनरिया में एक टोल प्लाजा है वहां पर काम करता था। उनको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये इस उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो उसको फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृत अवस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है, जहाँ कुल्हरिया जो टोल प्लाजा है जनपद आरा बिहार में, तो वहाँ के
पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बलवंत सिंह की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने गोंडा पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल किया हुआ था। परिजनों ने गोंडा में मुकदमा दर्ज करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन गोंडा पुलिस ने परिजनों को नियम का हवाला देते हुए आरा जिले के क्षेत्रीय थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कहते हुए मामला शांत कराया था। और अब गोंडा पुलिस आरा पुलिस से संपर्क कर बलवंत सिंह की मौत के पीछे की वजह जानने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।